नमस्कार। लाइफ के ये चार रूल जरूर याद रखना, और मैं तो कहता हूं कि ये चार रूल मरते दम तक याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, आपकी लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यूं कह सकते हैं कि आपकी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है ये। बहुत से लोग इनको लाइटली लेते हैं, हल्का लेते हैं, और जो हल्का लेते हैं ना वह लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। यही चार रूल हैं जो आपको औरों से आगे बढ़ाते हैं, आपको समथिंग डिफरेंट शो करते हैं औरों से, आपको भीड़ से अलग दिखाते हैं ये रूल। आप इनको लाइटली मत लेना। अगर आपने इनको लाइटली लिया ना तो आप इस भीड़ में कहीं खो जाओगे, हजारों की भीड़ में आप कहीं नजर नहीं आओगे। भीड़ से हटकर दिखना है, अलग दिखना है, तो इन चार रूल पर आपको ध्यान देना होगा, और मैं तो कहूं फॉलो करना होगा मरते दम तक, तभी आप समथिंग कुछ डिफरेंट कर पाओगे, तभी आप कुछ नया अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। और वो चार रूल क्या है ये देखिए। क्विट करने से पहले एक बार ट्राई जरूर करना, हार मानने से पहले एक बार प्रयास और करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, असफलता मिलती जाती, और फिर क्या, नहीं यार अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता यार, अब तो मेरे जीवन में असफलता ही असफलता है यार, अब मुझे कुछ नहीं, अब मैं काम को छोड़ रहा हूं। काम को छोड़ने से पहले अपने आप से पूछना कि मैंने ये काम शुरू क्यों किया था, क्या ये काम मैंने छोड़ने के लिए शुरू किया था, क्या ऐसे दिन देखने के लिए मैंने ये काम शुरू किया था। तो एक बार ट्राई और करना। रतन टाटा के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, आप उनकी एक स्टोरी भी जानते हो कि वो अपने टाटा मोटर्स बेचना चाहते थे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने टाटा मोटर्स को खरीदने से मना कर दिया और टाटा की बेइज्जती की। तो फिर टाटा ने क्या कहा अपने आप को कि मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा, एक बार वापस इस टाटा मोटर्स के लिए जी जान लगा दूंगा। और वही दिन और वही से टाटा जी जान से जुट गए टाटा मोटर्स को अच्छा करने के लिए। और आज आप सभी जानते हो टाटा मोटर्स किस पोजीशन पे है। भारत की सबसे ज्यादा कार बिकने वाली है तो टाटा मोटर्स है। तो एक बार हार मानने से पहले प्रयास और कर लेना, ये रूल जरूर याद रखना, अपने दिल और दिमाग फिट कर लेना। सेकंड रूल, पैसे खर्च करने से पहले पैसे को बचाना सीख लेना, पैसे को कमाना सीख लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी पैतृक संपत्ति होती है, परिवार बहुत पैसे वाला होता है, चारों तरफ से इनकम ही इनकम होती है, खूब खर्च करते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं, कोई ध्यान रखते नहीं है। वारेन बफेट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, राकेश झुनझुनवाला के भी बारे में अच्छी तरह से जानते हो। उन्होंने एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही कि जब भी आप पैसा खर्च करो ना, उससे पहले पैसे को बचाना सीखो, उससे पहले पैसे को कमाना सीखो, और फिर खर्च करो। जब आप पैसा नहीं बचा पाओगे ना और खर्च करोगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा ना कि आपके घर पर तिजोरी भरी होगी ना, वो तिजोरी भी शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर आप उलूल जुलूल अटम सटम खर्च करोगे तो वो पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो पैसा खर्च करने से पहले बचाना और कमाना, ये रूल बहुत जरूरी याद रखना आप। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपकी लाइफ के लिए, बोलने से पहले सुनना सीखना, ध्यान रख लेना। किसी मैटर पर हर कुछ बात हो रही है, उस मैटर का आपको नॉलेज नहीं है, 10 लोगों के बीच में बैठे हो और आप भी बोल पड़ते हो हर कुछ ही, तो आपकी क्या होती है, बेइज्जती होती है। क्यों होती है, कि उस मैटर का आपको पता नहीं है, क्या नॉलेज नहीं है, और आप बीच में बोल पड़ रहे हो। तो ऐसी जगह मत बोलना जहां आपको उस चीज का नॉलेज ना हो, वरना आप अपनी जगह सही कराओगे, ध्यान रख लेना। बड़े बड़े विद्वान लोग क्या करते हैं, सुनते हैं कम बोलते हैं, सुनते ज्यादा हैं। क्यों करते हैं, क्या वो पागल है, नहीं, वो समझदार है, बुद्धिमान है। उनको पता है कि हम जितना ज्यादा सुनेंगे ना, उतना ज्यादा हम नॉलेज इकट्ठा करेंगे, तरह तरह की बातें लोगों से सुनेंगे। 10 लोग बातें करेंगे ना, तो 10 तरह का नॉलेज आपको मिलेगा।
और आप बोलोगे तो क्या करोगे? आपका नॉलेज दूसरों को सुनाओगे। आप क्या अर्न करोगे? कुछ नहीं करोगे आप बोलोगे तो सबसे पहले ध्यान रखना, बोलने से पहले सुनना, 10 लोगों की बातें सुनना, हाँ कैसा क्या नॉलेज आ रहा है सारा अपने दिमाग में फिट करना, फिर बोलना। पहले बीच में मत बोलना, वरना जगह सही तो सिर्फ आपकी होगी। फोर्थ एंड लास्ट, प्रार्थना करने से पहले विश्वास करना। ध्यान रखना, आप भगवान पर विश्वास रखते हो, आप भगवान को मानते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है, भगवान के ऊपर तो छोड़ो, भगवान के ऊपर तो आपको विश्वास है, लेकिन आपको अपनी प्रार्थना पर विश्वास नहीं है ना, तो आप भगवान की पूजा करना छोड़ दो, आप मंदिर जाना छोड़ दो, आप भगवान के आगे हाथ जोड़ना छोड़ दो, अगर आपको अपनी प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो। पता है आपको प्रार्थना की शक्ति क्या होती है? आप तो इसको लाइटली लेते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, प्रार्थना की शक्ति को कभी लाइटली मत लेना। भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा, उसकी प्रार्थना में कितनी शक्ति थी, कितना विश्वास था उसको अपने प्रभु पर। जब होलिका ने उसको आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रहलाद जला नहीं, उसको विश्वास था अपनी प्रार्थना पर। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, फिर भी प्रहलाद के कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था अपनी प्रार्थना पर। प्रहलाद को पानी में डुबाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था अपनी प्रार्थना पर, अपने प्रभु पर। तो प्रार्थना करने से पहले विश्वास रखना अपने आप में और प्रभु से। अगर आपको अपनी प्रार्थना में विश्वास नहीं है, अगर आपको अपनी भक्ति में विश्वास नहीं है, तो आपकी प्रार्थना फेल है, आपकी भक्ति फेल है। और मैं तो कहता हूं, आप जो भी कुछ मांगोगे ना, वह आप कभी सफल नहीं होगा, आपको मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप तो पहले ही डाउट कर रहे हो, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा। अरे पहले ही डाउट करोगे तो कैसे होगा? प्रार्थना ऐसी रखो कि प्रभु से ऐसी प्रार्थना करो कि विश्वास रखो अपने मन में कि जो मैं कहूंगा प्रभु वो करेंगे। ये होती है प्रार्थना। तो प्रार्थना करने से पहले विश्वास रखना। तो ये 4 रूल लाइफ के मोस्ट इंपोर्टेंट आप जरूर याद रखना, आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे और आपको मरते दम तक आपके काम आएंगे।